इंसान जिससे आप प्यार करते हैं, अगर आप उसे अचानक देख लो तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति पुराने समय को याद करता है तो उसे सबसे अधिक यह याद आता है कि उसने ऐसा पहले कब किया था। हर लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड सबसे अलग हो, लेकिन वह यह खुद नहीं जानती कि सबसे अलग का मतलब क्या होता है। अधिकतर लोगों को अपने लोग इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वह उनके जीवन की किसी असली घटना के साथ जुड़े होते हैं। लड़कियों को बेबी कहने पर लड़कियों के मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका तनाव बहुत कम हो जाता है। जब भी आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। किसी भी कपल का ब्रेकअप तभी होता है जब उन दोनों में से किसी एक ने भी किसी तीसरे व्यक्ति से सलाह ली हो। हमारा दिमाग एक बोरिंग काम को भी पल भर में मजेदार बना सकता है, अगर हम सच में उस काम को करना चाहते हैं तो। लड़कियां ऐसे लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या फिर गंदी बातें करते हैं। इस दुनिया में लगभग 80% इंसान अपनी आत्मिक शांति के लिए अपना ओपिनियन दूसरों पर थोपना चाहते हैं। जो लोग अधिक हंसते हैं उनमें मानसिक दर्द सहने की शक्ति साधारण व्यक्ति के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। लड़कियों की जरूरत कभी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें खुद को पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है तो वह आपके करीब आने की कोशिश करेगा, चाहे उसने कभी भी आपसे बात तक ना की हो। कुंवारे लोगों को शादीशुदा लोग अधिक खुश नजर आते हैं और शादीशुदा लोगों को कुंवारे लोग अधिक खुश नजर आते हैं। एक औरत को ऐसे पुरुष ज्यादा आकर्षक लगते हैं जिनको दूसरी औरत देख रही होती है या फिर उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। इंसान कभी भी सपने में खुद के चेहरे को अच्छी तरह से नहीं देख पाता, उसे सपने में कभी खुद का चेहरा साफ नहीं दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति अपने साथ एक से अधिक तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब यह है कि वो खुद काफी अकेला महसूस करता है। हमारी आंखों से आंसू तब तक नहीं आते जब हम किसी को खो देते हैं, आंसू तब आते हैं जब हम खुद को खोकर भी किसी को पा नहीं सकते। अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है तो वह जिस तरह से आपके साथ बात करता है वह दूसरों के साथ बात करने में बिल्कुल अलग होगा। जो लड़के घर के कामों में हाथ बटाते हैं वे किसी भी बात को गोल गोल घुमाने व लोगों को अपनी बातों में उलझाकर रखने में माहिर होते हैं। घर से दूर जाकर कमाने वाले लड़के खुद के लिए नहीं जी पाते क्योंकि उनके लिए उनकी अपनी जिम्मेदारियां ज्यादा मायने रखती हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़के के परिवार से मिलना चाहती है तो इसका मतलब यह है कि वह उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सीरियस है। किसी के साथ ज्यादा देर तक बात करने से उससे अट्रैक्शन होने लगता है और इसी चीज को इस दुनिया के 80% लोग प्यार समझने लगते हैं। अगर आप बहुत बार किसी चीज के कारण हर्ट हुए हो और उसके बाद भी आप मुस्कुराते हो तो वास्तव में आप बहुत मजबूत इंसान हो। जो लड़कियां पैसों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मुकाबले खाने में ज्यादा खर्च करती है, ऐसी लड़कियां दूसरी लड़कियों के मुकाबले ज्यादा क्यूट होती है। साइकोलॉजी कहता है कि मेल मिलाप किसी भी रिश्ते को तरोताजा बनाए रखता है, इसलिए आप कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय व्यतीत करें। अगर कोई लड़की किसी लड़के से बेहद प्यार करती है तो भी वह उसे बताना नहीं चाहती, बल्कि वह चाहती है कि लड़का खुद उसके प्यार को महसूस कर ले। लड़कियां अपने पहले प्यार को जिंदगी में कभी नहीं भूलती, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में कोई भी आए उन्हें भूलना उनके लिए चुटकी भर का खेल है। अगर कोई लड़की पूरे दिन लव सॉन्ग सुनती है तो इसका मतलब उस लड़की की जिंदगी में कोई और आ चुका है, यानी वह लड़की किसी लड़के से प्यार करती है। आप जो कुछ भी सुनते हैं उस पर विश्वास न करें, क्योंकि किसी भी कहानी के हमेशा तीन पहलू होते हैं, एक आपकी कहानी, दूसरा उसकी कहानी और एक सच्चाई। अगर कोई लड़की आपसे बात करते समय डरती है या उसकी सांसें फूलती है तो इसका मतलब है कि वह आपसे बहुत प्यार करती है लेकिन बोलने से डरती है। हमारा मन केवल प्रत्येक व्यक्ति एक बार पूर्ण विश्वास बनाए रखता है, और अगर वह विश्वास टूट जाए तो उसके बाद उसे फिर कभी भी पहले जैसा विश्वास नहीं होता है। यदि आप अपने उल्टे हाथ से अपने दांत ब्रश करते हैं तो आप अपने दिमाग को अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मनियंत्रण स्तर बढ़ जाएगा। लड़कियां कभी भी लड़कों से अपने अफेयर के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि लड़कियां हमेशा अपने कुछ खास पलों को अपने तक ही सीमित रखती है। अगर वह लड़कों को इस बारे में बताती है तो वो पूरी तरह से सच नहीं होता है। अगर कोई लड़का आपको वास्तव में पसंद करता है तो यदि वह आपके आसपास हो और आप किसी और लड़के के साथ बात कर रहे हो तो वह आपको दूसरे लड़के के साथ बात करता देख नाराज हो जाएगा या फिर उसी समय वहां से दूर चला जाएगा। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को बहस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसी वजह से वो हर चीज नोटिस तो करते हैं लेकिन वो चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बहस में पड़ना उनके समय को खराब करना है, भले ही वह उस समय कुछ भी नहीं कर रहा हो।
यदि कोई लड़का आपको पसंद करता है तो वह हमेशा आपको दूर से ही दिखेगा, खासकर तब जब आप चारों ओर से बेखबर अपने दोस्तों के साथ हैं। तब यदि आप किसी मजाक पर हंस रही हो तो आप जल्दी से पलटकर उस लड़के की आंखों की तरफ देखें। वह लड़का एक बड़ी मुस्कान के साथ आपके चेहरे की ओर बड़ी मदहोश नजरों से देख रहा है और आपकी हंसी के साथ हंस रहा है। लड़कों को वैसी लड़कियां ज्यादा पसंद होती है जो समझदार होती हैं। अगर कोई लड़की आपको दूर से देखे लेकिन पास पहुंचते ही किसी और जगह देखने का बहाना करे तो समझ जाइए वह आपको पसंद करती है। इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की एक आंख तेज और एक आंख कमजोर होती है। सामान्यतः बचपन लड़कों में 24 साल तो लड़कियों में 30 साल तक जिंदा रहता है। लड़कियां लड़कों के मुकाबले किसी भी दूसरे इंसान पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हैं। जो इंसान रो नहीं सकता वह किसी भी इंसान की भावना या उसके प्रति प्यार महसूस नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा डांटता है तो वह अपने आप से नफरत करने लगता है। लड़कों के मुकाबले लड़कियां अधिक जिद्दी होती हैं। इसका मुख्य कारण है कि लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है उसके डिप्रेशन में जाने का खतरा बहुत अधिक हो जाता है। शारीरिक मेहनत करने वालों की तुलना में दिमागी मेहनत करने वाला इंसान ज्यादा सफल होता है। महिला ऐसे लोगों की ओर खुद आकर्षित होती है जो उनके साथ बातचीत शुरू करने का प्रयास करते हैं। जो लोग कम पढ़ाई करते हैं उन्हें चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है या बहुत जल्दी याद हो जाती है। जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में पड़ता है तो उसके कम से कम 2 दोस्त उससे दूर हो जाते हैं।